दोस्तों, कूलिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पैकेज का ट्रबल शूटिंग करेंगे। थर्मोस्टेट से डिमांड आ रहा है कि नहीं, बहुत कोई डिमांड, बहुत कोई कमांड बोलता है, तो जो भी आपको समझना समझ लीजिए, डिमांड या कमांड वो आ रहा है कि नहीं, कैसे हम उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। ये जो मेरा वायर आ रहा है, ये थर्मोस्टेट का वायर है ये, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 वायर आ रहा है, सेम ऐसी थर्मोस्टेट में भी लिखा हुआ रहेगा RY1 W1। ये जो देख रहे हो आप, टोटल ऐसी लिखा हुआ रहेगा, W2 Y2, और ये हो गया कॉमन, ठीक है। अगर इनकेस मान लीजिए थर्मोस्टेट में सेम ऐसा लंबर नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, जो यहाँ पे लंबर लिखा हुआ वैसा लंबर लिखे रहेगा, भले वहाँ कुछ और एक्स्ट्रा होगा। हम लोग जो इतना पॉइंट का काम रहता है उतना हिसाब से लेंगे। अब बाकी जो R1 W1 Y1 S G, ये सब का माने क्या होता है, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ वीडियो, तो इसमें हम सिर्फ देखेंगे कि इसमें सप्लाई थर्मोस्टेट से आ रहा है कि नहीं, डिमांड आ रहा है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं हम लोग कैलोमीटर से। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन को न्यू में प्रॉब्लम होता है, समझ में आते नहीं है वो, उसमें हो जाता कंट्रोल का मसला है या थर्मोस्टेट का मसला, पता नहीं चलता कंप्रेसर ऑन नहीं होता, तो इसीलिए आज इसको हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे, आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए, हम लोग मीटर को वोल्ट में डाल दिए, ठीक है। अभी हम आपको चेक करके बताएंगे, लाइव चेक करके बताएंगे, टेस्ट करके इसका डिमांड कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा समझिए, ठीक है ना। इधर देखिए, सबसे पहले ये दो वायर को समझिए, ये जो आर और सी है, ये फेस और ये न्यूट्रल, ये जा रहा कहाँ, थर्मोस्टेट में, मतलब यहां से सप्लाई पीसीबी से ये आर और सी ये थर्मोस्टेट में जा रहा है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करने के लिए हम लोग सप्लाई चाहिए होता है, 12 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो या 220 हो, ठीक है, तो उसको ऑन करने के लिए। उसका बाद से उधर से जो आउटपुट आ रहा है, ये Y1 है, ये G है, ये Y2 है, मतलब G जो हो गया ब्लोअर का कोड है, Y1 जो सिंगल स्टेज कूलिंग कंप्रेसर, सिंगल कंप्रेसर का, Y2 जो कंप्रेसर 2 का, मतलब ये जो G Y1 Y2 और G, ये थर्मोस्टेट से रिटर्न यहाँ सप्लाई आ रहा है पीसीबी में। अब पीसीबी से दो सब जो आउटपुट जा रहा है वो RRC है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे थर्मोस्टेट का डिमांड या कमांड आ रहा है कि, कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग श्योर हो जाएंगे कि पीसीबी से पहले थर्मोस्टेट में हमारा जा रहा कि नहीं। तो ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, थर्मोस्टेट से भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग देखिये मीटर में, यहाँ पर मीटर को हम लोग वोल्ट में डाल लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक वायर आर में लगाएंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक आर में लगाए, दूसरा हम लोग सी में लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये 24 वोल्ट, देखिए 24 वोल्ट जो है, 24-25 वोल्ट है, मतलब 24 वोल्ट का ये कंट्रोल, मतलब ये थर्मोस्टेट में यहां से जा रहा। अब थर्मोस्टेट से मेरा आ रहा कि नहीं है, अभी कंप्रेसर मेरा ऑफ है, थर्मोस्टेट से आ रहा कि नहीं आ रहा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको आर में नहीं लगाना, आर में लगा के हम लोग चेक करेंगे, देखिए आर में लगा के चेक करेंगे नहीं आएगा। हम लोग एक कैलम का तार जो होता है, मीटर का तार, हम सी में रखे हैं कॉमन में, और दूसरा देखिए Y1 में रख रहे हैं, यहाँ देखिए Y1 में रख रहे हैं, ठीक है। ये Y1 में देखिए, यहाँ पे नहीं आ रहा सप्लाई, मतलब अभी थर्मोस्टेट से मेरा डिमांड इधर आया नहीं है। अब देखिए Y2 में रख रहे हैं, इधर देखिए Y2 में हम चेंज किए, Y2 में चेंज किए, यहाँ भी मीटर देखिए यहाँ भी सप्लाई नहीं आ रहा। अब मेरा ब्लोअर घूम रहा है, तो देखते ब्लोअर का थर्मोस्टेट से डिमांड आया होगी, देखिए 25 वोल्ट, देखिए यहाँ जी में लगा, जी जो ब्लोअर कोड है, ऑलरेडी हम इसका जो रीड कैसे करते हैं वो अपलोड किए हैं वीडियो, आपको इंशाल्लाह यूजफुल रहेगा। अब देखिए अभी तक मेरा जो कंप्रेसर का कमांड नहीं आया, डिमांड थर्मोस्टेट से नहीं आया, तो इसमें क्या हो जाता ना, अगर न्यू टेक्निशियन रहे तो समझ में उसको नहीं आता, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मसला कंट्रोल में से हो या थर्मोस्टेट में से, तो इसके कारण वो काफी ज्यादा इसमें परेशान रहता है, इधर मीटर लगाना उधर मीटर लगाना समझ में नहीं आता। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत जबरदस्त तरीका से हम समझा आपको लाइव, इसीलिए समझा रहे। अभी थोड़ी देर में कंप्रेसर का डिमांड आएगा, उसको भी हम चेक करके बता देंगे। तो हमेशा याद रखे जो RRC है ये जो थर्मोस्टेट के वोल्ट के लिए जाता है, और बाकी जो W1 W2 Y1 Y2 G जो भी XYZ रहा, जितना भी हमारे यहाँ पर जितना भी कूलिंग हो, हीटिंग हो, फाइन का हो, टोटल कनेक्शन थर्मोस्टेट से रिटर्न यहाँ पे आता है। यहाँ पर रिटर्न आने के बाद समझ गए, देखिए यहाँ पे रिटर्न आने के बाद ये RRC थर्मोस्टेट जा रहा, बाकी जो रिटर्न आने के बाद यहाँ से डिमांड आ जाता है। इसके बाद पीसीबी फिर आउटपुट देगा कॉन्ट्रेक्टर के लिए, और रेडियम उसको कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं उसका अपलोड किए हैं। उसके बाद यहाँ से आउटपुट जाएगा कॉन्ट्रेक्टर का एक कॉइल में, दूसरा यहाँ से ट्रांसफॉर्मर से वोल्ट सप्लाई आता है, तो उसके बाद हमारा कॉन्ट्रेक्टर एनर्जाइज हो जाता है। तो अभी हम आपको ब्लोअर का कमांड ऑलरेडी शो कर दिए, देखिए ब्लोअर का डिमांड देखिए शो कर रहा है, क्योंकि ब्लोअर मेरा ऑन चल रहा है, थर्मोस्टेट ऑन है। देखिए वाई में
सॉरी जी में एक वायर लगाए, एक वायर लगाए कॉमन में। उधर देखिए, ये देखिए, ये कॉमन देख रहे हैं आप, कॉमन लिखा हुआ यहाँ पे और ये जी लिखा हुआ, हम लोग यहाँ पे लगा दिए 25 वोल्ट। देखिए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑन हो चुका है, कंडेंसर फाइन मोटर भी रन कर रहा है। तो अभी आपका हम सप्लाई इसका, जैसे पहले हम चेक किए थे नहीं आ रहा था सर्टिफिकेट, अभी कनेक्शन आ चुका है। हम लोग मीटर को फिर से वोल्ट में लगा लिए है। अभी देखिए हम लोग एक वायर जो है सी में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सी, ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है कॉमन लिखा हुआ, सी ओ एम लिखा, मतलब कॉमन है। और दूसरा इसका Y1 Y2 में शो कर रहे हैं कौन सा कंप्रेसर मेरा चल रहा है। देखिए एक लगा लिया हम, एक कॉमन में लगा लिए, दूसरा Y2 में लगाए। देखिए Y2 का अभी डिमांड नहीं आया, मतलब Y1 चल रहा, कंप्रेसर 1 चल रहा। अब हम लोग Y2 को सिर्फ हटाएंगे और Y1 में इधर लगाएंगे। देखिए Y1 में लगाए, यहाँ सप्लाई देखिए 24 वोल्ट आ रहा है। Y2 मेरा कंप्रेसर 2 ऑफ है, ठीक है, देखिए कंप्रेसर 2 ऑफ है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन नहीं है, जीरो है। तो आपको समझ में आ गया, एक बार कॉमन में रहेगा, बाकी जो भी डिमांड चेक कंप्रेसर से आ रहा है कि थर्मोस्टेट से आ रहा कि नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए दूसरा XYZ GGC में चेक करना, जिसका डिमांड उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बार एक जो थर्मोस्टेट का मीटर का वायर है कॉमन में रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि Y2 देखिए Y2 का नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिए Y1 का आ रहा है, Y2 का जो हमारा सप्लाई है, देखिए Y2 का सप्लाई नहीं आ रहा। वजह है कि नीचे से अभी कूलिंग कैपेसिटी अभी उसका लगभग मेंटेन, इसका वजह से लोड में नहीं है, लोड में जब आगे Y2 में कमाना जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। टोटल हम आपका वीडियो जितना बनाते हैं हम लाइव बनाते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अल्लाह देख के काम करे, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर एक नया वीडियो साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छे लगते तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को, फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।